एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, वो है पाइनएप्पल कंपोट। देखिए, तो ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से और फटाफट बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें बटर, साथ में ही हमने स्टार एनीस डाल दी है, 1 डालनी है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। गैस फ्लेम तेज कर दिया है और ये हमारे पास ना टिंड पाइनएप्पल है। फ्रेश का भी बनाते हैं तो मेरे पास टिंड पाइनएप्पल था, मैंने सोचा आपको पाइनएप्पल इस तरीके से दिखाती हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चीनी है, बट क्योंकि हमें थोड़ा ग्लेस और उस तरह कैरमलाइज करना है ना, तो हमने थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है। और जो पाइनएप्पल का टिन आता है ना, उसमें रिंग्स आती हैं पाइनएप्पल की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पाइनएप्पल स्लाइसेस हैं इसके अंदर, तो 4 मैंने यूज़ किए हैं। आप किसी भी डेजर्ट को डेकोरेट करने के लिए या उसमें डालने के लिए, आप अगर फ्रेश, क्योंकि बहुत देर लगती है पकने में, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। एप्पल में हमने दालचीनी का फ्लेवर दिया था, पाइनएप्पल में हमने स्टार एनीस डाली है, और इसको भी हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये स्पैचुला से अब हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, ताकि वो ना अलग अलग पीसेस ना हों, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख रहे हैं इसमें शाइन आ गई है शुगर से, और इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ गया है स्टार एनीस का। पाइनएप्पल पीसेस बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और ये फिलिंग आप क्रेप में या किसी सैंडविच में या वॉफल के ऊपर ये डाल सकते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। यानी फ्रूट फिलिंग है ये, बच्चे बहुत पसंद करेंगे अगर आप ये फिलिंग किसी चीज के साथ देंगे तो। देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी है, और कुछ ही सेकेंड्स, कुछ मतलब मिनट्स में हो जाता है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए, हमारा ये पाइनएप्पल कंपोट बनकर तैयार है ना यम्मी। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच। और आपने किस किस चीज में इस फीलिंग को यूज किया, ये फ्रूट फीलिंग को आपने कैसे यूज किया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।